दोस्तों, आपने बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों में बड़े बड़े सांपों को देखा ही होगा, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक और विशालकाय होते हैं कि एक इंसान को आसानी से निगल जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के समय में एनाकोंडा से भी बड़े बड़े सांप हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एनाकोंडा को दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। और ये सच है, क्योंकि अब तक जितने भी सांप पाए गए हैं ये सभी एनाकोंडा से छोटे ही हैं। लेकिन 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान कुछ लोगों को बड़ी बड़ी हड्डियां मिलने लगी, और धीरे धीरे उन लोगों ने उन हड्डियों का पूरा ढांचा ही ढूंढ लिया, जिसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये ढांचा एक सांप का है। और इस ढांचे की लंबाई थी 57 फीट, जिसके मुताबिक इस सांप का वजन तकरीबन 1400 किलोग्राम रहा होगा। और अगर हम इस सांप को एनाकोंडा से कंपेयर करें तो इसके सामने एनाकोंडा भी इसका बच्चा दिखेगा। और इस सांप का नाम रखा गया टाइटेनोबोआ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइटेनोबोआ का नाम टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया, तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, इसका नाम टाइटेनोबोआ इसलिए रखा गया क्योंकि यह टाइटेनिक जहाज के बराबर था। खैर, टाइटेनोबोआ के जीवाश्म से ये पता चला कि यह जीवाश्म आज से करीब 6.5 करोड़ साल पुराना है। और उस समय इतने बड़े सांप मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये सांप अर्थोथर्मिक होते हैं, यानी कि गर्म वातावरण में ज्यादा बड़े होते हैं। और इससे ये पता चलता है कि उस समय पृथ्वी का तापमान आज के मुकाबले काफी ज्यादा था, और ये सांप उस समय बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर अपनी हर दिन की जरूरतों को पूरी करते थे। और उस समय इन सांपों की लंबाई 45 से 60 फीट तक होती थी, और इनका वजन 1200 से 1500 किलोग्राम तक का होता था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतने विशालकाय सांप आखिर लुप्त कैसे हो गए। इसके पीछे साइंटिस्टों में आपस में मतभेद है, क्योंकि कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया, जिसकी वजह से डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों के साथ साथ टाइटेनोबोआ स्नेक्स भी पूरी तरह से विलुप्त हो गए। और वहीं कुछ साइंटिस्ट पृथ्वी में हुए जलवायु के बदलावों को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सांप आर्थोथर्मिक होते थे, जिसके कारण इनका आकार गर्म वातावरण में ज्यादा बड़ा होता था। और इन टाइटेनोबोआ स्नेक्स को सर्वाइव करने के लिए गर्म इलाकों की तलाश रहती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन इनके अंत का प्रमुख कारण बना, क्योंकि जैसे जैसे वातावरण ठंडा होता गया और वैसे ही इन सांपों की सर्वाइव करने की क्षमता धीरे धीरे घटती चली गई, और अंत में ये विशालकाय और खतरनाक सांप पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो गए। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के दौरान इन सांपों की प्रजाति विलुप्त हो गई, वैसे ही ये कभी पुनर्जलवायु परिवर्तन के बाद अस्तित्व में आ सकते हैं। और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान फिर से तेजी से बढ़ रहा है। और बहुत से लोगों का मानना है कि टाइटेनोबोआ स्नेक्स आज भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं, और ये अमेजन जंगल में रहते हैं। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं जानते, पर इतना तो कह सकते हैं कि जिस तरह से हम इंसान समुद्र के 95% एरिया को ठीक से नहीं जानते, उसी तरह से हम इंसान अमेजन जंगल को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सके हैं। और इस जंगल में इतने इतने खतरनाक जीव हो सकते हैं जिन्हें अभी तक खोजा ही नहीं गया हो, क्योंकि ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। और अगर आप लोग कहें तो इस जंगल के बारे में पूरी वीडियो ही बना दूं। वैसे आपको क्या लगता है कि टाइटेनोबोआ आज भी हमारी धरती पर रहते हैं, नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।